यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए 2023 मिशेल बैटिस पुरस्कार किसने जीता है? सही जवाब है जगदीश बाकन। किस राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा मिल्क मिशन योजना शुरू की है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। किस राज्य की मुतमिजा सेल्वी मेट्रिकटन एवरेस्ट को फतह करने वाली राज्य की पहली महिला है? सही जवाब है तमिलनाडु। कौन सा देश नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 इंच नाटो की मेजबानी करेगा? सही जवाब है जर्मनी। किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है नेपाल। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को डच साइंस के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है जोयिता गुप्ता। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? सही जवाब है उपर्युक्त सभी। भारत में रेल मंत्रालय द्वारा विकसित एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कौन सी है? सही जवाब है कवच। मेकेडातु परियोजना को लेकर कौन से 2 राज्य विवादों में रहे हैं? सही जवाब है कर्नाटक और तमिलनाडु। किस संस्था ने भारत को बच्चों के बीच तंबाकू और नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अभियान एडिक्शन फ्री अमृतकाल शुरू किया है? सही जवाब है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। निम्नलिखित में से किसने अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने लॉन्च किया है? सही जवाब है ए और बी। किस राज्य ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है? सही जवाब है केरल। कौन सा देश कच्चे इस्पात का विश्व का 2रा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? सही जवाब है गीतांजलि अय्यर। सरकार ने किस कंपनी के लिए 89,000 करोड़ रुपए से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है? सही जवाब है बीएसएनएल।